खुशी महसूस हो रही है अपने दोस्त से मिलकर। हमको भी बीते कुछ दिनों से हम लोग जो है सोच रहे थे कि एक दूसरे से मिलेंगे, इनसे बात कर रहे थे, कई प्रकार के टेंशन में हम थे, मुलाकात मुलाकात नहीं हो रही भी थी नहीं हो रही ना। थी। अपना आप जो जो युवा है या जो जो उम्र बढ़ती रहती है, टेंशन बढ़ता है, एजुकेशन का, जॉब का, बहुत सारा ऐसा है ना। बिल्कुल और बिल्कुल मेरा मित्र है, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। मेरा हर संभव, हर तरह से, मेरा ही नहीं, हर एक अपने क्लासमेट, साथ पढ़ने वाला का मदद करते हैं, और मैं इनको अब किए गए मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और मिले हैं तो कुछ बातें करेंगे, और उस बातें में एजुकेशन से रिलेटेड ही बातें रहेगी। वैसे खुशी है मिलने की, वो अलग बात है, लेकिन जैसे कि वर्तमान में मेरा दोस्त है, वो कर रहे हैं बीएड, यहाँ कहाँ से कर रहे हैं बीएड सर? डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर डॉक्टर ट्रेनिंग जाकिर हुसैन, दरभंगा। टीचर ट्रेनिंग दरभंगा से कर रहे हैं बीएड। तो क्या इसमें एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए था? सिंपल है, आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद जो है अब तो इंट्रेंस वाला सिस्टम चला दिया है यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले आप CET दीजिएगा, उसमें क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई के हिसाब से आपका जो जितना परसेंटेज लाइएगा मार्क्स, यानी कि उस बेसिस पर एडमिशन होगा। यदि आपका ज़्यादा मार्क्स है तो पहले एडमिशन होगा, कम है तो चांस कम रहता है बस। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन के बाद इंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है बिहार में हाँ एडमिशन लेने के हाँ लिए? अब भी तो कंपलसरी है। बिहार में बीएड में एग्जाम लेने के लिए इंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। बिल्कुल। उस इंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या सर? अभी CET लेते हैं, सीईटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। टेस्ट, जो कि इस बार एलएनएमयू को दिया गया था, वो उसका पदभार LMU एलएनएमयू को अभी दिया गया पिछले था। तीन दो तीन साल से यही ले रहा है, अच्छा, LMU ले रहा है। तो इसके बाद जैसे कि आप कोर्स कंटिन्यू करते हैं, आप जाकिर हुसैन में, तो उसका फी भी होगा? बिल्कुल हैप्पी है। वो तो प्राइवेट कॉलेज है शायद, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट है कॉलेज है, उसका फी होगा, फी कितना है? बिल्कुल। फी तो वैसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख, लेकिन हाँ 1.5 लाख 2 सेमेस्टर, पूरा है। हाँ दो दोनों टर्म। टर्म का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब इस दोनों ईयर का आपको देना होगा। फर्स्ट टर्म में लगभग डॉक्टर जाकिर हुसैन में है तो आपको जो है लगभग वो लग जाएगा 1 लाख के आसपास में, ठीक है। सेकेंड टर्म में आपको जो भी लगेगा 60-70 हज़ार, उसके बाद जो है उसमें फॉर्म एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो सब लेते हुए लगभग हम सबको भी सुनने में आ रहा है। अब कितना है नहीं, कितना तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन 1.5 लाख बताया था। अब प्रोसेस में जा रहे हैं तो कुछ खर्च होगा। एग्जाम फीस होगा, ट्यूशन फी, या अलग अलग तरह के कई हाँ प्रकार हाँ की बहुत फीस होती सारे। है, तो लमसम जितना है उससे 10,000-15,000 ज़्यादा लग जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बीएड करना चाहते ये भी रहता है कि हम बीएड तो कर रहे हैं, क्या कंपलसरी है कि गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे? नहीं देखिए, अब ये आपकी एलिजिबिलिटी पर निर्भर है, क्षमता पर निर्भर है कि आप BEd कर लिए तो आप TET निकालिए। TET निकालिएगा, गवर्नमेंट वैकेंसी देंगे ही। ऐसी बात नहीं है कि यदि गवर्नमेंट जो जब ये फैकल्टी तैयार कर रही है तो वो उसका कोई दुरुपयोग के लिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसका वही है कि नेसेसरी होना, उसके प्रति लगाव होना। अब कोई कर रहा है बैठ गया, कोई अलग काम कर रहे हैं, उसको अब CET ही नहीं निकल, सॉरी TET ही नहीं जी निकल रहा, जी जी अब वो निकलना पड़ेगा ना, बिल्कुल तभी होगा। हाँ। तो उसके बाद जॉब होगा, वैकेंसी आने के बाद फिर उसकी फॉर्म भरिए और आपको जॉब मिलेगी। जाहिर सी बात है, कोर्स तो बीएड रहना चाहिए टीचर्स बनने के लिए, क्योंकि शायद आप प्राइवेट में भी कंपलसरी है, प्राइवेट में भी जाइएगा तो हाँ बीएड की मांग देखिए, करती है। बिल्कुल मांग करती हाँ, है, क्योंकि वो प्राइवेट क्वालिटी स्कूल देना में भी जाइए तो देना बीएड की चाहता मांग है ना करती स्टूडेंट्स के पास, है। जी। इसीलिए। तो इस तरह से आप संक्षिप्त में बीएड के बारे में जाने हैं, जो कि मेरा दोस्त अभी वर्तमान में कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है और इनको बहुत सारा शुभकामना। कोर्स कंप्लीट करें, शिक्षा शिक्षक बने, और शिक्षक देश का केवल भला ही नहीं करता, देश निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। विनाश कहा गया है, नाश और विनाश दोनों शिक्षक के गोद में पलते हैं, तो बिल्कुल शिक्षक की महानता तो अपने आप में बहुत बड़ी है, तो कहीं नहीं जा सकती है। बिल्कुल। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं, कोर्स कंप्लीट करें। जहां तक रही मेरी बात, तो दोस्त समझते हैं, एमएससी बॉटनी बिल्कुल बिल्कुल एलएनएमयू डिपार्टमेंट दरभंगा नरगौना पैलेस के अंदर में आता है, वहां से कर रहे हैं, क्योंकि हमसे एक गलती हुई है और उसके लिए मैं 2-3 दिन से गलती क्या बहुत हुआ है, परेशान तुम हुई थी। जानबूझ करके किया नहीं है। नहीं इसमें हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा लापरवाही बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर लापरवाही तो हो गया कि माइंड या दिमाग जो भी कहीं, लेकिन एक बात था कि एलएनएमयू गलती क्या क्या, जो ये रजिस्टर जो वो स्टूडेंट का वो निकाला था ना, उसमें दो बहुत जगह पे, और बहुत जगह नहीं भी हो, लेकिन हम लोग के साथ 3 बच्चे का उसमें रोल जनरेट नहीं किया, रोल नहीं जनरेट रोल किया। नंबर नहीं जनरेट किया ना। हाँ, नहीं जनरेट किया, वो तो सही बात है। उसके बाद अलग से भी मतलब हम लोग हम इंतजार में रहे, हम थोड़ा यूनिवर्सिटी ज्यादा गए भी नहीं उस पर, हमको लगा कहीं आ जाए, तो आजकल आजकल फिर ऑनलाइन का डेट खत्म, ऑनलाइन के डेट खत्म के बाद ऑफलाइन आया और गया, मुझे पता नहीं, जब तक हम संभालते तब तक हम वो, और नोटिस जबकि पहुंच चुका मेरे पास, लेकिन उसको पढ़े नहीं। तो इसमें हम लापरवाही है कि हम थोड़ा सा हम भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन
बाकी है, एलएलएम है तो वो तो थोड़ा बहुत गलती थोड़ा नहीं करेगा तो एलएलएम कहलाएगा नहीं। एलएलएम गलती नहीं करे तो एलएलएम कहलाएगा नहीं, ये सही बात है। हम आज जाके कह रहे सब बच्चा ये कहेगा एलएलएम जितना भी पढ़ेगा, सही बात आप मान देंगे नहीं? ये बात है ही, थोड़ा नया डाटा सेंटर भी आया है तो नया डाटा सेंटर, डाटा सेंटर की कहानी कुछ और। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा सही बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार मुलाकात हुई, आगे आज मिल के जाएंगे, फिर कभी स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। हाँ बताइए, ब्याह क्या कर रहा है? आप देखिए शादी ब्याह की चर्चा हमारे माता पिता करते हैं तो मेरे दोस्त बोले कब कर रहे हैं। देखो हम सबका खुशी होगा ना जब तुम्हारा परिवार बनेगा। तो ये बात तो हम भी आपको कह सकते हैं, हमको बहुत खुशी होगी आपका परिवार। इसमें क्या बात है, सही बात है, वो तो करनी ही है एक दिन। तो अब ये पता नहीं वाली सब कुछ एक दिन करनी रहती है तो जरूरी नहीं उस समय से पहले हो जाए, लेकिन कोई हद तक मेरी विचार नहीं है कि इस बंधन में पड़े, अपनी जीवन जीना है, मस्त रहना, खुश रहना, समाज भला कर देना है, हर बाबा की तरह जिए बिना कुछ लवंडी बाबा को छोड़कर। लेकिन सन्यास लाइफ भी बिताना एक बहुत बड़ी बात है, जीवन में कुछ बेहतर करेंगे, चलो हर संभव कोशिश करेंगे और दोस्त से मदद मांगेंगे, लेकिन सही जगह रहेंगे, सही लोगों के साथ रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे अंतिम निश्चित कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा, इसलिए हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। थैंक यू।